हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन कौशिक और आई शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। कैसी थी आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और क्या होंगे लेवल्स कल के दिन के लिए, जो कि फिर निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है। कल थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की होगी। तो कल के दिन के लिए क्या लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी के, उसके बारे में बात करते हैं। अभी ओवरऑल देखिए मार्केट में, अभी हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे कि मार्केट में एक रेंज बनी हुई है 45,000 से। मार्केट जो है 45,000 से 44,000 की रेंज में ही यहाँ पे मार्केट जो है ओवरऑल पूरा ट्रैप हो रखा है, और वो रेंज अभी जो है धीरे धीरे करके वो छोटी हो जा रही है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं एक चार्ट में, हम यहाँ पे एक लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ होती हुई देखने को मिल रही है, और यहाँ डाउन साइड में यहाँ पे भी जो है मार्केट इस रेंज में ऑलमोस्ट घूमे जा रहा है, और ये रेंज जो है दिन बर दिन जो है छोटी होती जा रही है, जैसा कि अभी हम प्रीवियस चार्ट में देख पा रहे हैं। तो मार्केट जो है 450 के अराउंड यहाँ पे क्लोज हुआ है। अभी कल के लिए जो रेंज रहेगी यहाँ पे बैंक निफ्टी की, उसके बारे में बात करते हैं। कल अपसाइड में जो है यहाँ पे 44,650 का जो एरिया ये रह सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस टू जो है उसको हम लेकर चलेंगे। 44,850 से 900 का जो एरिया है इसको हम लेकर चलेंगे रेजिस्टेंस टू बैंक निफ्टी के लिए कल के दिन के लिए। डाउन साइड बात करेंगे तो ये डाउन साइड में 44,250 से 200 का जो एरिया है ये एरिया रहेगा हमारे लिए डाउन साइड में। सपोर्ट वन जो है अभी बैंक निफ्टी के लिए, और सपोर्ट टू जो है वो हम लेके चलेंगे 44,000 का जो एरिया है इसको हम लेके चलेंगे सपोर्ट टू। सो अभी पिछले दिनों में मार्केट में देख रहे हैं मार्केट इसी रेंज की 44,000 की रेंज में है। तो काफ़ी दिनों से बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में, यहाँ पे हम देख रहे हैं मार्केट में अलग अलग टाइप की फॉर्मेशन, यहाँ पे एक एम फॉर्मेशन भी बनती देखने मिली थी जिसका भी ब्रेकआउट कुछ हमें खास मिल नहीं पाया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप की भी फॉर्मेशन बनती देखने थी जिसके ऑलमोस्ट ट्रेंड पे ही मार्केट चल रहा है, वो भी हमें कुछ ज़्यादा सक्सेस होते ना, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी अच्छी रेंज में फंसा हुआ है। एक काफ़ी अच्छा एरिया भी है, मतलब ब्रेकआउट्स काफ़ी दूर हैं, जैसे 45,000 ऊपर में 44,000 नीचे में, तो जिगजैग जिगजैग मार्केट हो रहा है, मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है और प्रीमियम भी काफ़ी कम है। तो अभी देखना होगा जब तक मार्केट 45,000 और 44,000 के बीच में, या फिर हमें यहाँ पे कोई अच्छा रेंज मिलता है, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ये रेंज जो है धीरे धीरे स्क्वीज होनी शुरू हो जाएगी। तो 44,800 से 44,200 तो ऑलमोस्ट बन गई, अब 44,800 से 200 के ऊपर नीचे मार्केट जाएगा तब हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे मार्केट किस साइड की डायरेक्शन पिक कर सकता है। तो आइए निफ्टी की तरफ चलते हैं और निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी आज 19,618 पे यहाँ पे क्लोज हुआ है। अभी पिछले दिनों से हम देख रहे थे यहाँ पे निफ्टी में एक रेंज बन रही थी 580 की जो रेंज थी, ऑल्दो निफ्टी में पहले जो रेंज थी वो 500 से 250 के अराउंड थी, लेकिन मार्केट ने काफ़ी टाइम 500 के ऊपर भी कंसोलिडेट किया, और उसके बाद एक दो बारी यहाँ पे ये रेंज टेस्ट करके 19,580 की जो रेंज है ये मार्केट ने अच्छा रेजिस्टेंस बना रखा था। आज इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ, ऑल्दो एक और रेजिस्टेंस के पास है जो कि है 19,650। तो 19,650 का जो एरिया है इसको अगर हम चार्ट को जूम आउट कर देंगे, काफ़ी पुराना लेवल है। तो इस लेवल पे जो है यहाँ पे हम यहाँ लेके चलेंगे कि निफ्टी का जो है इसको हम लेके चलेंगे कल के दिन के रेजिस्टेंस 19,650 या 620 पे मार्केट क्लोज हुआ। अगर 650 भी मार्केट तोड़ता है तो आई अज्यूम कि मार्केट जो है 19,800 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। और तो मार्केट में अभी जैसे विक्स कम हुई है, प्रीमियम भी काफ़ी कम है, तो कोई बहुत बड़ी स्ट्रेट मूवमेंट नहीं देखने मिलेगी, बट धीरे धीरे जैसे कि आज हमने बैंक निफ्टी देखा मार्केट नीचे जा रहा था, तो बहुत ही स्लो एंड स्टेडीली मार्केट जो है नीचे अपना ट्रेड करके और लास्ट में धीरे धीरे करके कवर भी हो गया। तो कल के दिन अगर मार्केट 19,620 जैसे आज क्लोज हुआ, अगर कल हम देखते हैं कि 640-650 के ऊपर ही मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो मार्केट की जो है हम डायरेक्शन अपसाइड की ही रहने की हम थोड़ी सी उम्मीद करेंगे। तो अभी फिलहाल अभी 620 मार्केट बंद हुआ है, तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस वन है वो रहेगा 19,650 का, उसके ऊपर जो है रेजिस्टेंस टू है वो सीधा रहेगा 19,800 का, यानी इसको हम टारगेट भी ले सकते हैं और रेजिस्टेंस टू भी लेके चल सकते हैं कल के दिन के लिए निफ्टी के लिए। तो अभी 620 पे जो है मार्केट क्लोज हुआ है, तो अभी डाउन साइड में हम बात करेंगे, नीचे की रेंज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 19,580 से 570 का एरिया जिसको अभी मार्केट ब्रेक करके यहाँ पे 600 के पास पहुँचा है, तो 19,580 से 570 जो है इसको हम लेके चलेंगे सपोर्ट वन कल के दिन के लिए, और अगर उसके नीचे मार्केट जाता है तो यहाँ पे 19,500 का जो एरिया इसको हम लेके चलेंगे सपोर्ट टू। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट में एक बड़ा मूव आया था और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के साथ जो है इस लेवल को ब्रेक किया है, 19,580 को एक प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक किया है,
तो 1900 का जो एरिया है इसको हम लेकर चलेंगे सपोर्ट टू, यानी निफ्टी जो है 618 बंद हुआ है, तो स्मॉल रेंज जो है नियर बाय की वो है 650 से 580, और अगर 650 के ऊपर मार्केट गया तो 1900 का हम लेवल, 750-800 का लेवल टच होते देख सकते हैं, और अगर नीचे में 580 के नीचे गया तो 500 का जो लेवल है ये भी एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर 500 के नीचे भी निफ्टी जाता है तो यहाँ पे हम 1900 या 350 के बीच में यहाँ पे हो सकता है कि निफ्टी यहाँ तक पहुँच जाए। अगर 500 के नीचे भी गया तो ऐसे में 1400 से 350 जो है ये एक और सपोर्ट, सपोर्ट 3 हम बेसिकली इसके बारे में बात कर सकते हैं निफ्टी के लिए। तो दैट्स इट दोस्तों, ये रेंज मेरी कल के दिन के लिए निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी हुई है तो हमने एक स्मॉल रेंज के साथ एक बड़ी रेंज भी डिस्कस करी है कि अगर ये रेंज ब्रेकआउट होता है, नियर बाय की जो रेंज है ये ब्रेकआउट होता है, तो हम कहाँ का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो यही है रेंज मेरी दोस्तों कल के दिन के लिए निफ्टी की। आई होप आपको हमारी वीडियो से ट्रेड करने में, मार्केट के लेवल्स जज करने में थोड़ी हेल्प मिलती होगी। वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।